जय गुरु बाबा, प्रवचन नंबर 147। मानवता की बात है और वेद का अद्भुत आकर्षण है। अहमदाबाद के समस्त सज्जन वेद कथा श्रवण के लिए घंटों तक बैठने में जरा भी संकोच नहीं करते। 6 बजे से कार्यक्रम चला, 8 बजे बूढ़ा होने से मैं भी थक गया हूं। कवि का चला जाता, केवल मंडलेश्वर जितने पधारे हैं उन लोगों के अनुराग ने मुझे जाने नहीं दिया। और एक आनंद की बात है, दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं, लड़का बिगड़ जाता है, पिता भी कभी कभी क्रुद्ध हो जाता है, एक व्यक्ति का साथ रहता है जिसको मित्र कहते हैं। हमारे वयोवृद्ध मित्र भागवतानंद जी हम इकट्ठे ही पढ़े और राष्ट्रीय सेवा में भी इकट्ठा 1921 में कार्य किया। ये मंडलेश्वर बन गए, मैं तो वैसा ही रहा। और एक बात की प्रसन्नता, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 22 ऋचा 19 वहां लिखा इंद्रस्य युज्यस्य, कि इंद्र का योग्य मित्र है विष्णु। इंद्र पर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए, कष्ट हो जाए, विष्णु उसका साथ नहीं छोड़। इसीलिए इंद्र जब वृत्र हत्या के लिए प्रस्तुत हुए तो सबसे पहले उन्होंने ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त है 100 मंत्र है 6 सखे विष्णु वितरम विक्रम है, मित्र विष्णु विद्रम विक्रम, तुम अत्यंत अपना पराक्रम बतलाओ, सोए मत रहो। तो महामंडलेश्वर भागवतानंद जी रुग्ण हैं, वृद्ध हैं, कहीं आते जाते भी नहीं, पर सख्य भाव का स्नेह इन्हें खेच ही लाया। और ये भी आपने देख लिया, पीछे आए हुए मंडलेश्वर चल दिए पर ये अभी तक बैठे हुए। अब बतलाना यह है कि अहमदाबाद के भक्त मंडली की भी प्रशंसा किए बगैर न रहूंगा। मेरा मन इतने लंबे चौड़े आयोजन का न था, मैं यही चाहता था कि शस्त्र वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए जाए, वेद ध्वनि करें और वेद की स्थापना हो जाए। पर इन भक्तों ने माना, इन्होंने कहा महाराज यहां सबसे पहले वेद मंदिर अहमदाबाद में बना, अभी भी इतना विशाल वेद मंदिर शायद भारत से, भारत में कि ना अन्यत्र कहीं है ना भारत के किसी दूसरे प्रांत में, वहां अगर वेद की स्थापना यूं ही कर दी गई तो जी हमारे नगर के लिए एक लज्जा की बात होगी। तो मैंने उनकी बात मान ली और उन बात मानने से प्रसन्नता भी हुई। स्वामी भागवतानंद जी जो हमारे अभिन्न हृदय मित्र हैं, बॉम्बे में मुझे मिले थे 1957 में, उसके बाद आज उनके दर्शन। प्रसाद चिन्नानी पुराय फलानी, प्रसन्नता का जो वातावरण होता है वो बतला देता है कि हमारा लक्ष्य हमारा उद्देश्य अवश्य पूर्ण हो। अहमदाबाद में केवल गृहस्थ मंडल ने ही नहीं, सब साधु संप्रदायों के मंडलेश्वरों ने पूर्ण सहयोग दिया। मनुवर जी तो मेरे से भी अधिक इस कार्य में लगे हुए हैं, नारायण दास जी उनसे आगे बढ़े हुए हैं और वासुदेवानंद जी भी उपस्थित हैं। और अब हमारा तो संध्या समय आ गया है, अभी तो इन्हीं लोगों पर आशा केंद्रित है कि वासुदेवानंद जी हैं, जैसे गिरी जी चले गए विद्यानंद गिरी जी हैं और पंडित राम हर्षदास जी हैं और ये हमारे धांगद्रा के हनुमदाचार्य हैं, ये नए जो मंडलेश्वर हैं
नए जो कार्यकर्ता हैं ये हमारे लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। महाराणा प्रताप का शरीर शांत नहीं हो रहा था। सरदारों ने पूछा बात क्या, कहते क्या करूं, मैं अपने जीवन में अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र न कर पाया। कुछ सरदारों ने विश्वास दिलाया कि आप चिंता न करें, आप आनंद से प्रस्थान करें, हम आपके लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। अब मंडलेश्वरों के आगमन से ये प्रमाणित हो गया कि जिस कार्य को मैंने उठाया, वेद भगवान की स्थापना, वो कार्य अवश्य ही पूरा होगा, क्यों सारे संत एक स्वर से इस कार्य को अपना रहे। अब ये तो जरा रही ऊपर की बातें, अब जरा कुछ वेद की मुख्य बातें भी आपके सामने रख दो। गीता में भगवान ने एक ही बात कही, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। जितने वेद हैं उनका प्रतिपाद्य तत्व मैं। भगवान ने यह भी बतला दिया कि अगर मुझे समझना हो तो वेद की शरण लेनी होगी, क्यों मेरा प्रतिपादन वेदों द्वारा ही हुआ। अब कहेंगे जी गीता में तो ये भी लिखा, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो वार्जुन। वेदों में तो कहते त्रिगुणात्मक जो संसार की बातें लिखी हैं, अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, ये त्रिगुणमय संसार का प्रतिपादक जो वेद है इसके कहते आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोगों को गीता में वेद की निंदा का भी भ्रम होता है। बस हमारे अनुसंधान का, हमारे साथ काम करने वाले विद्वानों का यही लक्ष्य है, लोगों के जो भ्रम हैं उन्हें दूर किया। अब देखिए यहां गीता जिससे निंदा समझते हैं, गीता तो महती स्तुति कर रहे। त्रिगुण्य त्रिगुणा एव त्रयो गुणा एव इति त्रिगुण, त्रिगुण्य एव विषम गरलम तं याति अंतर्भावित निर्थत्व यापयति नाशयति इति त्रिगुण्य विषयो वेदा। ये त्रिगुणात्मक संसार तो गरल है, जहर है, ये विष आपको जला डालती अगर संतों का अवलंबन आपको न मिलता। ये शंकर स्वरूप संतों ने इस भयंकर संसार विष से आप लोगों की रक्षा कर रखी है। और गीता कहती है त्रिगुण विषम जापे, जैसे गरुड़ का मंत्र पढ़ने से सर्प का जहर दूर हो जाता है, ये संसार का अहंता ममता काम क्रोध आदि शदरिपु जो गरल कल्प हैं, जहर की तरह हैं, या पैती उन्हें विनाश कर देता है वे। और एक बात और पूछे बगैर न रहोगे कि महाराज आज तक आप हमको ये कहते रहे, निस्त्रिगुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेधा, त्यज धर्मम धर्मंच येन त्यजसि तत्य। कहते हमारा तो गुणातीत मार्ग है, विधि निषेध से हम बाहर हैं, साधु सन्यासी सर्व चतुर्थाश्रमी। और त्यज धर्मम धर्मंच, धर्म को भी छोड़ो, धर्म को भी छोड़ो, और तो क्या, येन त्यजसि तत्त्यज, जिस अंतःकरण से ये भावना लाते हो कि मैं त्याग कर रहा हूं, कहते उसको भी छोड़ दो। एक पर्शियन शहर ने कहा, तर्क दुनिया तर्क उकवा तर्क मौला तर्क, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की बुराइयों को प्रशंसा को छोड़ दो, और कहते त्याग का भी त्याग कर दो, यह विमान मत लाओ कि मैं त्यागी हूं मैं साधु हूं, और तर्क मौला कहते ईश्वर की भी प्रवाह न करो। कहते आपका तो ये संन्यास मार्ग है, त्याग मार्ग है, और त्याग से भी आगे आप तो उदासीन है, सदैव उदास रहने वाले, किसी में रस न लेने वाले। बस ऐसे ऐसे भ्रम ही हमको वेद विद्या से प्रांगुक किए हुए हैं, और यही कारण था हम वेद विद्या से बहुत दूर चले गए। जब मैंने विशिष्ट धर्मशास्त्र देखा
वहां एक श्लोक बड़ा सुंदर मिला, संन्यसेत सर्वाणि कर्माणि वेद मेकम न संन्यसेत वेद संन्यास नाशु दृष्टस्मात् वेदम न संन्यास। कहते सब कर्तव्यों का त्याग कर दो पर एक वेद का त्याग न करना होगा। अगर वेद का त्याग कर दोगे, जिस वेद ने तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया और त्रैवर्ण का बनाया और जिस वेद के प्रेष मंत्रों के द्वारा भूसन्यस्तम उभयसन्यस्तम आप साधु बने, कह दीजिए आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था से आप गिर जाओगे, कहते शूद्र कक्षा में चले जाओगे, बस इसी वेद मंत्र ने मुझे प्रेरणा दी, इसलिए मैं प्रारंभ से ही वेदों के और लगा हुआ हूं। सन 1925 में मैंने सिंध में हैदराबाद नगर में वेद की स्थापना, और मैं वेद का बरघोड़ा निकालता रहा 31 तक। पर ये बड़ा मुझे खेद था, स्थापना के लिए कोई योग्य भव्याकृति वेद पुस्तक न था, अलग अलग 100 पेज की सामसंग है जिसके कागज भी बड़े खराब, शाही भी उड़ी हुई, और 150 पेज का यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं। एक आर्समाजी बंधु ने कहा कि एक हमारे पास आए कि चारों वेदों का दर्शन करना चाहता हूं। वो आर्समाजी कहता है मेरे पास संगत तो नहीं, पर स्वामी जी मैं डर गया, अभी ये कहेंगे यही इनके वेद। ये कमी थी, मेरी दृष्टि लगी रही भारत एक काशी में बृहित संस्था है, भारत धर्म महामंडल उसे प्रार्थना की गई, सनातन धर्म सभाओं से प्रार्थना की, आर्य बंधुओं से अनुरोध किया, पर एक बात मुझे याद आती है कि मैं ना मृत्वा स्वर्गो दृश्यते, जब तक स्वयं न मरा जाए स्वर्ग के दर्शन होते। अंत में कुछ भक्तों ने कुछ संतों ने मुझे रोका भी कि बूढ़े हो गए हो, ज्यादा सोचोगे कहीं मस्तक की नस न फट जाए। तो मैंने समझा अगर वेद की सेवा के लिए ये शरीर चला जाए तो सस्ता सौदा है, और कुछ प्राचीन विचारों के सज्जन मुझे ये भी कहने लगे कि गंगेश्वरानंद जी क्या कर रहे हो, ये वेद तो गोप्य वस्तु है, सबके सामने क्यों ला रहे हो। भाई मुझे जगतगुरु रामानंद जी के जीवन चित्र की घटना याद आ रही। रामानंद जी महाराज अपने शिष्य से कहने लगे कि देखो मैं तुझे राम मंत्र देता हूं पर ये प्रकट नहीं करना, गुप्त रख। मेला लगा हुआ था, उनका शिष्य पर्वत पर चढ़कर लगा भाई बोलो श्री राम बोलो श्री राम। आचार्य क्रुद्ध हो, ये क्या करते हो, मंत्र तो गुप्त रखा जाता है, कि महाराज ये बतलाओ राम के सुनने से लोगों का उद्धार होगा या नरक गमन। कहते होगा तो उद्धार, तो महाराज अगर राम के मेरे राम नाम के श्रवण से लोगों का उद्धार हो, अगर आपकी आज्ञा भंग से मुझे नरक जाना पड़े मैं नरक को ही पसंद करूंगा, मेरे समाज का कल्याण हो मुझे भले ही। आचार्य श्रीचंद्र महाराज जब अटक नदी को पार करने लगे, कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने आकर कहा कि अटक के पार क्यों जाते हो, पार जाने से पतत हो जाओगे। आचार्य श्रीचंद्र महाराज ने कहा कि काबुल में, गंधार में, अफगानिस्तान में, ईरान में जितने हिंदू बंधु रह रहे हैं, मेरे जाने से उन्हें भक्ति का उपदेश मिलेगा, ब्रह्म विद्या का उपदेश मिलेगा, उन सब का उद्धार होगा। अगर जी अटक नदी के उल्लंघन का पाप लगेगा तो मैं उसको सहर्ष सहन कर लूंगा। पहले तो भाई मिश्री कभी कड़वी होती, वेद मंत्र को जो सुनेगा उसका उद्धार और कल्याण ही होगा। गुप्त तो जी इसलिए रखा जाता था कि जो हीरा रत्न जवाहरात होता है उसकी कीमत कम ना हो जाए, उसको तिजोरी में रखा जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कोई दुष्ट चुरा के ना ले जाए।
विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। हमारे ब्राह्मण देवताओं ने समझा अगर वेदों को यूं ही सबके आगे रख दिया गया तो वो यहां अब भी उनको पुस्तक मिल जाते अग्नि की भेंट कर देते हैं, वेदों की कहीं दुर्गति ना हो, हमारे पूज्य पुस्तक का अपमान ना हो, इस भावना से हमारे पूर्वजों ने वेदों को गुप्त रखा। इसलिए नहीं कि वेदों के मंत्रों के पढ़ने से किसी का कल्याण ना होगा या पाप लगेगा, ये सब भ्रांतियों को दूर करना है। और आपने जितने भी मेरे मित्र हैं वयोवृद्ध महापुरुष और ब्राह्मण जो कुछ मैंने कहा सबका मेरे साथ ऐक मत है। भाई अब गुप्त कहां रखोगे, जिन संगताओं का आपको पता नहीं उन संगताओं को ढूंढ ढूंढ कर यूरोपीय विद्वानों ने अपने देश में ले गए और उनको प्रकाशित किया। आज हम जो संगता प्रकाशित करें पहले उनका संस्करण देखते हैं कि मैक्स मुलर ने ऋग संगता को कैसे निकाला, और मैंने भी जब अथर्ववेद को संशोधन किया तो हिटनी और रात का जो बहुत पुराना छपा हुआ था उन पुस्तकों की सहायता ली। 1783 में सरयानस जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली, तभी से यूरोपियनों का वेद की ओर आकर्षण हुआ। 250 वर्ष से वो वेद की सेवा में लगे हुए हैं और इतना वैदिक साहित्य तैयार कर दिया। मैं समझता हूं अगर अहमदाबाद का कोई मोहल्ला भी उन वेदों को संभाल नहीं सकता, इतने ग्रंथ तैयार हो। हमें तो लज्जा आनी चाहिए, जो विदेशी हैं जिनका धर्म पुस्तक नहीं है वो हमारे वेद को विश्व पुस्तक मानकर मूल ग्रंथ भी छाप रहे हैं, उनके अनुवाद भी कर रहे हैं, उनके समझने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं और कोश भी बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया अगर आपको समझ के अमुक शब्द वेद में कितनी बार आता है ये भी उन लोगों ने डिक्शनरी बनाकर आपके सामने प्रकाश कर। अब आपको जो कहते हैं हम वेद को बड़ा जतन से रखते हैं उनसे पूछा जाए कि आर्य शब्द वेदों में कितनी बार आता है, पर यूरोपीय विद्वानों ने यह बतला दिया कि आर्य शब्द वेदों में आता है 36 बार नाउन प्रातिपदिक और धातु आता आर्यंती, आर्यंती आता दो दफे, 38 बार इसका आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। और दास शब्द कितनी बार आता है, 63 बार और दस्यु शब्द आता है 62 बार, पणि शब्द आता है 50 बार। दास कौन थे, दस्यु कौन थे, पणि कौन थे, आर्य क्या थे, इन सब बातों का विवेचन भी उन्होंने कर दिया। हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं कि राजा सुदास हुए, ये भी हमें पता नहीं चलता वो राजा सुदास सूर्यवंश के थे या चंद्रवंश। पारजीटर ने पुराणों का अभ्यास किया, अभ्यास करके एक श्रृंखला बना दी, सूर्यवंश की श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने 121 राजाओं की नामावली, पहले मनु हैं, 50वें स्थान में सुदास हैं, श्री रामचंद्र जी 63 में हैं और बृहद्वल 92 हैं और 121 में सुमित्र। इसी तरह उन्होंने चंद्रवंश की भी नामावली दी, चंद्रमा से आरंभ किया, अंतम राजा क्षेमक 80 है और युधिष्ठिर 50वें स्थान में है। अब मैं इस विषय को नहीं लूंगा, केवल इतना बतलाऊंगा कि आप छिपाएंगे किससे, जिनसे छिपाना था वो तो हमसे ज्यादा जानते, परंतु धन्यवाद है उनका कि उन्होंने वेदों पर बड़ा परिश्रम किया पर उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ भी की। उन्होंने कहीं कहीं या तो उनकी नीति में कोई अंतर है, वो हमारे देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इस नीति के कारण उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को कुछ गिराना चाहा, या समझ ले कि वो दूर रह रहे हैं, हमारे ब्राह्मण हमारे विद्वान तो हमें नहीं बतलाना चाहते थे, उनको तो फिर उन्होंने बतलाया नहीं, यही दोष हुआ कि वो दूर रहने के कारण वेदों के वास्तविक अर्थ को न समझ सके, इसलिए कहीं कहीं उन्होंने भूले कर दी।
लो मैं एक उदाहरण हूं कितनी बड़ी भूल की। और हमारी संस्था, हमारे साथी विद्वान अब यही काम कर रहे हैं कि उन जो कुछ उन्होंने हमारे साहित्य का प्रचार किया इसके बदले तो हमें उन्हें धन्यवाद दें, और जो उन्हें भूलें की हैं उनका सुधार करके उनसे पत्र व्यवहार करें ताकि वो ही अपनी भूलों को सुधार दें तो अधिक अच्छा हो। लो मैं एक उदाहरण दूंगा, अनुस्तरणी। अनुस्तरणी नाम है गऊ का, इसका अर्थ अक्षरार्थ के अनु मरणा दुर्धुम स्पीरियते वही तरण्या वही तरणी नद्या तारण नीयते अनया इति अनुस्तर। मरने के बाद जब ये प्रलोक यात्रा जीवात्मा करता है, उस मार्ग में पड़ने वाली प्रलोक यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी से जिसकी सहायता से ये जीवात्मा पार हो सके उसका नाम है अनुनिस्तर। षडविंश ब्राह्मण प्रथम अध्याय सातवां खंड अनुनिस्तरणी कुर्वंती, वहां लिखते हैं अनुनिस्तरणी, सैन लिखते हैं अनुनिस्तरणी बैतरणी नदी पारो तारिका। और हमारे मैकडालन कीथ ओल्डनबर्ग इन महापुरुषों ने क्या किया कि अनुस्तरणी उस गऊ का नाम है। जब कोई भारतीय मरता है उस समय गऊ को मारा जाता है, उस गऊ के मांस में लपेट कर उसका दाह संस्कार होता है। इतना गलत अर्थ। तो मैंने उसके समाधान में मैं केवल, कई लोग कहते हैं महाराज वेद का अर्थ तो समझता नहीं, आपने ये वेद का मूल पुस्तक छाप दिया। अरे भाई विदेशियों ने भी पहले मूल पुस्तक ही छापी, और मैं अर्थ के लिए तो मेरे पास 20,000 पृष्ठ तैयार हो चुका है। शतपथ ब्राह्मण का मैंने अनुवाद कर दिया, सामवेद के आठ ब्राह्मणों का मैंने अनुवाद किया, पर पहले मैंने समझा कि जनता जिस वेद भगवान के दर्शन से वंचित है पहले उन्हें दर्शन तो करा दूं, फिर वेद पर जो लोगों ने आक्षेप किया उनका जवाब पीछे सुना दिया जाए। अब देखिए मैं उन अंग्रेज मित्रों से भी पत्र व्यवहार करता हूं कि देखिए हमारा क्रम है संहिता ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथ, तो सूत्र ग्रंथों के अनुसार ही वेद के मंत्रों की व्याख्या करनी पड़ेगी। हमारा बौधायन पितृमेध सूत्र है, वहां लिखा है उत्सृजेद वाक्यानां विप्रायवाद अद्यात् दत्तात्वेव श्रेयसे भवति। कहते जब मृतात् कोई आदमी मर रहा हो उसके कल्याण के लिए एक गऊ को दान करना, उस गऊ को कहते जंगल में छोड़ाना ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक घास चर सके, बंधन मुक्त कर देना, क्यों स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। देखो भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितने बलिदान दिए। 1921 में स्वामी भगवतानंद जी और मैं भी पिकटिंग किया करते थे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, उस समय से हमारी मित्रता है, फ्रेंडशिप है और आज तक चल रही और चलती ही रहेगी। और एक बात मैं और बतला दूं, जो मित्र का कर्तव्य है वो स्वामी जी ने पूरा भी किया। जैसे मैंने वेद का स्वाध्याय शुरू किया, स्वामी जी भी वेद के स्वाध्याय में लगे रहे हैं। आप उनके छोटे से व्याख्यान से समझ गए होंगे उन्होंने वेदों के कितने कोटेशन दिए। 7 मिनट का भाषण, उसमें वेदों का रहस्य गागर में सागर की तरह उन्होंने आपके सामने रख दिया। और महेश्वरानंद जो दिवंगत हो गए हैं उन्होंने भी बड़ी मेरा साथ दिया। जैसे मैं वेदों पर अभ्यास करता था उन्होंने भी वेदों पर अभ्यास आरंभ कर दिया। अरे भाई मेरा तो पहले से, मैं कोई किसी जगह मेरा लेख पढ़ोगे कल्याण में किसी महासत्र शताब्दी संभार में मेरा विषय होता है वेद में प्रेम योग, वेद में गुरु, वेद में भक्ति, वेद में योग, वेद में वेदांत, शीर्षक ये सब हो। अस्तु अब प्रसन्नता की बात है, सारे संतों ने सब भक्तों ने एक स्वर से वेद की सेवा को स्वीकार कर लिया है, और मैं तो भाई प्रकाशन करने में मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ जितना स्थापना में हो रहा है। जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ रहा है, अब
यहां स्थापना होगी 22 को, 23 को राजभवन में, फिर उसी दिन 23 को कैवल्य ज्ञान मंदिर में, फिर 24 के दो भक्त हैं जो वेद के परम भक्त हैं उनके घरों में स्थापना होगी, और भी बहुत सी मांगे आ रही हैं। पर अभी तो कुल्लू मंडी जाना है, फिर अमृतसर जाना, दिल्ली जाना, और लखनऊ जाना, कानपुर जाना, और फिर अयोध्या और काशी जो हमारे मुख्य तीर्थ हैं वहाँ की, वहाँ भी वेद की स्थापना करना। परंतु इतना आनंद की बात है, काशी में आज तक जो आचार्य गए उनसे वहाँ के विद्वानों का झगड़ा, पर मेरा विद्वानों ने पूरा साथ दिया। मैंने संस्कृत यूनिवर्सिटी में 3 वेदों पर लेक्चर किए, और मैंने एक छोटा सा पुस्तक लिखा वेदोपदेश चंद्रिका, अभी 2 ही वर्ष हुए, हमारे विद्वानों ने हमारा इतना सहयोग दिया हमारे उस पुस्तक को वेदाचार्य के 3रे खंड के 1वें पत्र में रख दिया। तो इसलिए अब मैं भी थक गया हूं, आप भी थक गए हैं, और सूर्य नारायण भी थक कर चल दिया, इसलिए हमें अब सबको विराम करना होगा। और मैं तो यही हूं, अपने विचार आपको बोलकर भी बतलाऊंगा और पुस्तकों में लिख लिख कर भी। एक बात मैं छोटी सी और कह दूं, हमारे वेदों की मंत्रों की तो बात जाने दो, हमारे वेदों की तो संख्या भी कुछ विचित्र रहस्य बतलाती। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय, लोग कहते हैं हमारा 40 अध्याय क्यों, ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 मंडल क्यों, अथर्ववेद के 20 कांड क्यों, और इसके 27 प्रपाठक हैं सामवेद के, वो क्यों। मैं अधिक न कहता हुआ एक ही कहूंगा, भगवान के अवतार कितने मुख्य, 10। उन्हीं 10 अवतारों की ओर ऋग्वेद का 10 मंडल सूचन दे रहा है, और यजुर्वेद के अध्याय हैं 40 क्यों, हमारे भगवान हैं 10 अवतार, उनकी 10 प्रकार की है श्रीमद् भागवत में सर्ग विसर्ग आदि लीला। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला, स्कंद दूसरा, अध्याय 10, अत्र सर्गो विसर्ग, 12 10 प्रकार की लीला है। अब 10 हुए अवतार, 10 हुई लीला, तो 20 हो गए, इसलिए अथर्ववेद के 20 खंड। और उस लीला को फिर 3 भागों में बांट दो, व्यवहार की लीला, प्रातिभास की लीला, और वास्तविक की लीला। वास्तविक लीला तो वो है जो गोलोक में भगवान अपने पार्षदों के साथ कर रहे हैं, व्यवहार की लीला ये है भक्तों के प्रेम वश निराकार से साकार होकर धरा धाम में आए, अयोध्या बिहारी और मथुरा बिहारी बने, वो है व्यवहार की लीला। और मीरा जैसी भक्ता जब उनका ध्यान करती है, उसके भावना राज्य में भगवान उसके सामने आकर नाचते हुए प्रतीत होते हैं, और मीरा कहती है आंखें लगा के तुमसे न पलकें हलाएंगे, देखेंगे नाच हम तुम्हें आगे। ये जो भक्तों के भावना राज्य में भगवान का दर्शन होता है, ये उनकी प्रातिभास की लीला है। जब 10 को 3 से गुणन करोगे तो कितना होगा, 30। 30 प्रकार की हुई लीला, 10 प्रकार के हुए अवतार, और 30 में 10 मिला दो 40। इस भाव की सूचना के लिए यजुर्वेद है। अब समय नहीं रहा, बहुत इस तरह के रहस्य वेदों में हैं, और ये भी मैं बतलाऊंगा। लोग कहते हैं जी वेद माता गायत्री है, ये तो सूर्य को कहती है, सूर्य को नहीं कहती, इस गायत्री में भी छिपा हुआ राम और श्री कृष्ण का चरित्र। लोग कहें कैसे, बड़ा सीधा अर्थ, सवितु नाम है सूर्य का, सूर्य के द्वारा वरेण्यम कन्या वर बनाने के लिए जो चुना गया, कौन, श्री कृष्ण, उसका हम ध्यान करते हैं। कैसे वो कृष्ण है जो गीता निर्वाण के द्वारा हमारी कुमारगामी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। यहां तो गीता निर्माता कृष्ण का उद्देश्य है, जो सविता की पुत्री तपन तनया कालिंदी के प्राण बल्लभ है। अब राम की तरफ भी चलें, सवितुर वरेण्यम, सविता नाम है सूर्य नारायण का, सूर्य वंश के वो जो सूर्य को जो बहुत प्रिय, अपनी संतान पिता को प्यारी होती है, हमारे भगवान सूर्य वंश लता के फूल हैं, इसलिए सवितु मैंने सूर्य को, वरेण्यम मैंने अति प्रिय,
ऐसे जो प्रसिद्ध भरगा रावणादि दैत्यों के संहार कर राम कहते वो उनका हम ध्यान करते हैं, वो राम कैसे हैं। अध्यात्म रामायण में राम हृदय है और राम गीता के द्वारा जो संसार गामिनी बुद्धि को परम ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित करते हैं, इस प्रकार के गंभीर रहस्य और तत्व वेदों में है। और मैंने ये बतला दिया जब माँ ने कहा तो लड़के सब उसी ओर जाएंगे, गायत्री वेद माता है, जब वेद माता ने रामकृष्ण को कहा तो वेद सारा ही रामकृष्ण को कह रहा है, इसलिए श्री कृष्ण सर्ववेद प्रतिपाद्य हैं। गीता का ये वाक्य लग्य वेदेश सर्वैरहमेव वेदः। अब अधिक न कहते हुए एक भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण भगवन मम चित्त भृंगो जायात कदापि भवतश्चरणारविन्दे देहादि पुष्प व्रता कृपया तदानीं वीक्षस्व वाम नयनेन निजं पदाब्जं। हे श्री कृष्ण प्रभु, हमारा चित्त तो भ्रमर है, ये तो जैसे भ्रमर अनंत पुष्पों के ऊपर चक्र काटता है, कभी स्थिर नहीं होता, उसका कहीं अनन्य भाव। पहले तो ये आपके चरणों की ओर जाए ये आशा ही विषय वासना में फंसा हुआ। देहादि पुष्प विरतः, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों का कोशों की खाई को पार करता हुआ, कदाचित मेरा ये मन अगर आपके चरणों में पहुंच जाए तो एक दया करना, आपने बाएं नेत्र की दृष्टि जरा अपने उस चरण कमल पर डाल देना। अब इसका क्या मतलब, चक्षुषी चंद्र सूर्य, भगवान की आंखें चंद्र और सूर्य, भगवान का बायां नेत्र है चंद्रमा, हमारा मन गया उनके चरण कमल में, जब भगवान बायां नेत्र से देखेंगे तो चंद्रमा का स्पर्श होगा, चंद्रमा के स्पर्श से कमल हो जाएगा बंद, फिर उसी चरण कमल में हमारा मनो मधुकर सदा बना रहे। सर्वे खुशी न संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।